उदयपुर जाना जाता है अपनी झीलों के लिए, और उदयपुर की भी सबसे फेमस झील है लेक पिछोला। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो में उदयपुर की सबसे फेमस झील, जिसका नाम है लेक पिछोला। और ये एंट्री गेट है चौपाटी का, जहाँ पर लेक पिछोला सामने आपको दिखाई दे रही है। अंदर चलते हैं चौपाटी के, वहाँ भी दिखाता हूँ क्या है। पर पहले मैं आपको दिखाता हूँ गेट पे क्या है। गेट पर है ये ऊँट, जहाँ आप देख सकते हैं कैमल सफारी भी आप इस समय यहाँ पर कर सकते हैं। भैया कितना है कैमल सफारी का, कितना भैया कितना चार्ज है कैमल सफारी का? रिकॉर्डिंग कर रहे हो? हाँ रिकॉर्डिंग में कुछ और रेट है। झीलों की नगरी उदयपुर का नाम तो आपने सुना ही होगा, और आज मैं लिफ्ट लेकर के जाने वाला हूँ उदयपुर तक अपने शहर अजमेर से। लगभग 250-350 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और जाने वाले अपन लिफ्ट लेकर के ही। अगर कोई रुकता है तो ठीक है, वरना आपको चलते रहना पड़ेगा, तभी अच्छी लिफ्ट मिलने वाली है। वरना आपको खड़े होकर के अगर हमें ऐसे ऐसे करता रहूँगा तो शायद लिफ्ट इतनी जल्दी ना मिले। और वो लिफ्ट किसी चीज़ की भी हो सकती है, बाइक की हो सकती है, ट्रकों की हो सकती है। ट्रकों की लिफ्ट में मज़ा आता है, चलते स्लो हैं पर मज़ा उसमें ज़्यादा आता है। एक ट्रक वाले भैया रुके हैं, इनसे पूछता हूँ देखें कहाँ तक छोड़ सकते हैं। भाई मैं तो उदयपुर जा रहा हूँ भाई, आप कहाँ तक छोड़ सकते हो क्या? पाली जाओगे? भाई रुका था पर भाई को जाना है पाली, और मुझे जाना है उदयपुर की तरफ। तो आगे चल के रास्ते वैसे भी अलग हो जाने वाले हैं, पर भाई ने अपना ट्रोला जरूर रोका था, और ट्रोला भी देखिए कितना बड़ा है। तो देखिए ऐसे नहीं है कि लोग रुकते नहीं, रुकते हैं। इतना बड़ा ट्रोला भी रोक लिया इसने इतने बिजी शहर में ब्यावर के। फाइनली दोस्तों एक बड़े सारे ट्रक में लिफ्ट मिल गई है, बोलते हैं इसको और ऊपर चढ़ते हैं। तो साहब आ जाओ पीछे, आ जाओ चप्पल खोल के पीछे बैठ जाओ। धन्यवाद, सही जगह लाकर रोका आपने एकदम। भाई ने एकदम सही जगह लाकर रोका, ट्रक भी रेडी था। दो मिनट हाँ भैया, चलो 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 चलो। तो दोस्तों आपके भाई को बढ़िया शानदार लिफ्ट मिल गई है, देखिए ट्रक का नजारा है। और भाई लोग कहाँ से आ रहे हो? हम आ रहे हैं जयपुर से। जयपुर से? और इसमें कितने गियर होते हैं ट्रक में? इसमें 8 है। 8 गियर? रिवर्स के लेके 9 गियर है। रिवर्स के साथ 9 गियर है अपने उसमें ना, वो वाला जट यमला वाला हॉर्न है क्या? जट यमला पगला दीवाना? नहीं वो नहीं है। वो वाला हॉर्न नहीं लगाया क्या? हाँ ये वाला अपना है, वो बड़ा फेमस है, एक जट यमला पगला दीवाना। अरे बटे रखे दे रे ठेला ट्रक में, ठेला साइड में करें थोड़ा यार, ठेला साइड में करें थोड़ा, बीच में लेन आ रही है। ये है भीम के कुछ चौराहे का नजारा, देखिए आप सुबह सुबह चहल पहल कितनी अच्छी चहल पहल है पूरे शहर में। भीम सिटी है ये। अब ट्रक है तो ट्रक भी आराम से ले जाना पड़ता है इतने भीड़ भाड़ से भी। छोटा टाउन है, ज्यादा बड़ा नहीं है। चलो आप भी चलो। लो जी अपना ट्रक रुका है ढाबे पे, भवानी होटल एंड रेस्टोरेंट पे। और यहाँ रुका है किस लिए? चाय के लिए। चाय के लिए, चाय के लिए रुक। चलो शिवाय भाई क्या माल रखा हुआ आपने? बर्तन नहीं, थोड़ा क्या है। अच्छा परचूनी का माल है। अच्छा परचूनी का माल है ये। भाई ऊपर जा रहा है कुछ ठीक वीक करने, कोई रस्सी उस्सी ढीली तो नहीं हो गई, कोई सामान कहीं से पूरा चेक करेगा अभी। अभी अपना सफर वापस से शुरू हो गया एक छोटे से टी ब्रेक के बाद में, और अभी एक रास्ता आने वाला है जहाँ से गोरम घाट का रास्ता जाता है। गोरम घाट की मेरी जो सबसे पॉपुलर वीडियो जो है गोरम घाट की है, लगभग 25 लाख लोग उसे देख चुके हैं, और साथ ही कुंभलगढ़ भी इधर से नज़दीक ही है, तो कुंभलगढ़ पे भी लगभग 17-18 लाख लोग अब तक देख चुके हैं उस दोनों वीडियो को। ये कौन सी जगह है? देवगढ़ है? नहीं, सांगावास है। तो दोस्तों ये है वो जगह सांगावास। अब सांगावास से ये देखिए एक रास्ता इस तरफ जा रहा है, ये हमारा ड्राइवर साहब शिवाजी की तरफ जा रहा है। कच्छबली यहाँ लिखा हुआ है, और लगभग 6 किलोमीटर है, और इस रास्ते पर जाके जाकर के गोरम घाट है। ड्राइवर साहब का घर भी है यहाँ पर, और उनके फादर जी यहाँ पर टिफिन लेके आए हैं अभी। देखिए ये इनके पिताजी हैं,
बिल्कुल रास्ते में ही इनका घर भी है और बहुत खूबसूरत जगह है गोरम घाट, अगर आपने नहीं देखी हो तो जरूर देखिएगा। भाव जी लेके आए टिफन अभी। शिवा भाई बहुत बहुत धन्यवाद इतनी दूर तक लिफ्ट देने के लिए आपका। हाँ भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और सामने राजसमंद सिटी आ चुका है और राजसमंद से बहुत नजदीक है उदयपुर, कभी राजसमंद उदयपुर में ही हुआ करता था। और लगभग 150 किलोमीटर से ज्यादा की लिफ्ट भाई लोगों ने दी, ट्रक में आराम से बैठ के आया उसमें। और राजसमंद का ये जो एरिया है सेवाली जगह है, सेवाली राजसमंद थोड़ा इस तरफ साइड में है, और यहाँ से लिफ्ट लेनी है आगे के लिए। थोड़ी इधर क्या ढाल है, इस तरफ थोड़ी ढाल है, इस वजह से गाड़ी थोड़ी तेज जा रही है, इधर थोड़ा रुकना मुश्किल है। वैसे जो रास्ता इधर साइड से जा रहा है ना ये रेलिंग के, इधर इधर से फिर ये जा रहा है राजसमंद अंदर, पर मैं ऊपर हाईवे की तरफ हूँ, मुझे लगता है मुझे उस तरफ जाकर के लिफ्ट लेनी चाहिए थी। और लगभग 5 से 6 किलोमीटर हो चुके हैं, मैं पैदल ही चल रहा हूँ अभी, और यहाँ लिफ्ट नहीं मिल रही है राजसमंद में। अब राजसमंद वालों बुरा मत मानना भाई, लेकिन यहाँ लिफ्ट नहीं मिली है, 6 किलोमीटर करीब करीब हो गए। पर ये अगर आपने ट्रैवल करने का ऐसे सोचा है तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा कि आप पैदल कहाँ तक चल सकते हो, वरना आपका जो हिच हाइकिंग है ना बेकार है करना। आपको तैयार रहना पड़ेगा कि आप कितनी दूर तक पैदल चल सकते हो। तो अभी एक लिफ्ट मिल गई है, बाबूजी ने दी है और कार में बैठे हैं अपन। वही क्या नाम है अपना? हिम्मत सिंह राठौड़। हिम्मत सिंह जी राठौड़, तो आप नाथद्वारा के रहने वाले हैं? मैं गांव सिरोड़ी का रहने वाला हूँ। हाँ जी। लेकिन बॉम्बे रहता हूँ मैं, बॉम्बे में बिजनेस, बॉम्बे और रहने का नाथद्वारा। अच्छा अच्छा, बॉम्बे में बिजनेस है, क्योंकि मैं जब बाबूजी ने गाड़ी रोकी ना तो महाराष्ट्र नंबर है, तो मैं सोचा महाराष्ट्र की गाड़ी भी रोक रही है लिफ्ट के लिए ना राजस्थान में, तो थोड़ा ऐसा होता है ना। पर फिर बाबूजी ने बताया कि ये तो राजस्थान के ही है बाबूजी। तो और बाबूजी क्या बिजनेस है अपना? गोल्ड का बिजनेस है बाबूजी का, अंधेरी में है कि सामने लिखा हुआ है नाथद्वारा। और देखिए यहाँ का जो ब्रिज बना हुआ है वो कितना खूबसूरत पेंट किया हुआ है। और ठीक इसके इस तरफ यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ये बड़ा सारा एक कुछ बना हुआ एम आकार का, और ये बना हुआ है मिराज गेट, मिराज चौराया भी कहलाता है ना, ये मिराज चौराया कहलाता है। भाव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे यहाँ तक छोड़ा, बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी आपके सारे जो भी मंगल कार्य हैं वो सब अच्छे से हों, है ना। धन्यवाद भाव जी, चलो खाना खाने। बस धन्यवाद भाव जी, जाना ही है मेरे को, बहुत बहुत आभार आपका यहाँ तक छोड़ा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। मिराज सर्कल पे मुझे यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स दिख रही हैं खाने पीने की, है भूख भी लगने लगी है। ये क्या है, तो क्या बोलते भैया? फाफड़ा, बिल्कुल जाता हूँ फाफड़ा, फाफड़ा फाफड़े के साथ में इधर ये पकोड़े भी निकल रही हैं। हाँ सर, पकोड़े की कैसी रहती है भैया प्लेट? 25 का 100 ग्राम। और बिल्कुल ये मिराज सर्कल के नज़दीक है, साथ ही इधर है कचौरी समोसे पोहे, और ये भी आप देखिए साथ में इधर भी पूरे। ये क्या चीज़ है भैया? दाल बाटी भैया, दाल बाटी, दाल बाटी, दाल बाटी। वाह, गर्मा गर्म। किस हिसाब से आती है? 30 रुपये प्लेट है, 2 बाटी दाल छाछ। अच्छा, मतलब खाना की तरह है ये ना, नाश्ते की तरह नहीं, खाना ही हो गया तो गारंटी वाला काम, अच्छा लगे तो पैसा देना। 30? अच्छा भाई कह रहे हैं कि अच्छा लगे तो पैसे देना। क्या नाम भाई अपना? दीपेश भाई। तो भाई दीपेश भाई कह रहे हैं कि अच्छा लगे तो ही पैसे देना, 30 रुपये की प्लेट है, 2 बाटी दाल और छाछ। भाई खिलाओ देखा, 2 बाटी, रुको मैं आ जाऊँ पहले, मैं देखता हूँ ना। 30 रुपये की प्लेट है, भैया ने बोला है पसंद आए ना आपको स्वाद तभी पैसे देना। ये देखिए आप, ये क्या डल रही है दाल? ये दाल है, दाल है पूरा चने का दाल है मिक्स। नमक आप देखना, आपको नमक नॉर्मल नहीं एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। तो ये लीजिए अपनी प्लेट तैयार हो गई है यहाँ पर। आ जाओ सर अंदर बैठो। किधर बताओ? इस तरफ आना है ना। अच्छा इधर पूरी बैठने की व्यवस्था भी है, यहाँ बैठ जाऊँ? यहाँ बैठ जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ रख देना आप इसको। हाँ बैठो। चलो भाई, भैया अपनी प्लेट लेके आ रहे हैं, ये आ गई अपनी प्लेट साथ मसाला छाछ। अच्छा ये भी टेस्ट कीजिए, ये मसाला छाछ भी आ चुकी है अपनी। तो पहले एक बार दाल बाटी को एक बार टेस्ट कर लेते हैं अपन, ऊपर से चटनी भी डाली हुई है इसमें। एक प्लेट थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ मैं, आप दीदी।
जो दाल बाटी है ना ये आपको पसंद आएगी सही, भैया ने इसलिए कहा है कि आपको पसंद आया तभी पैसे देना, वो पसंद आएगी सही। काफ़ी एनर्जेटिक खाना था दाल बाटी वाला, वो मैंने खा लिया है और अब चलते हैं ठीक इस एम सर्कल से उदयपुर रोड की तरफ। मेरे को तो ये देख के अच्छा लग रहा है यहाँ के जो ये ओवरब्रिज बना हुआ है ना बहुत ही खूबसूरती से, मतलब इसमें पेंट किया हुआ है, देखिए आप एक काना की छोटी सी एक बड़ी सारी यहाँ पर वो बनी हुई है पेंटिंग, और इस तरह से यहाँ पर देखिए आगे भी बनी हुई कान्हा जी की श्री कृष्ण की यहाँ पर बहुत सारी मूर्ति और जो पेंटिंग है वो बनी हुई है। अब अपन को चलना है उदयपुर, उदयपुर के लिए लेफ्ट, उदयपुर उदयपुर ये लिखा हुआ देखिए नाथ द्वारा, और ये है शिव जी की सबसे बड़ी स्टेचू है दुनिया में, इसको बोलते हैं स्टेचू ऑफ बिलीफ, स्टेचू ऑफ बिलीफ नाम से है ये, और ये जगह है नाथूवास, नाथ द्वारा और ये नाथूवास जगह है, नाथू द्वारा में ही है। तो स्टेचू ऑफ बिलीफ जो है दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है शिव जी की। अभी मैं लिफ्ट लेते लेते उस जगह पहुंच चुका हूँ जहाँ से उदयपुर सिर्फ 20 किलोमीटर रह गया है, और ये कुछ जगह है पहाड़ी रास्ता है ये, और यहाँ पे पहाड़ पे मुझे क्या दिखा मैं आपको दिखाता हूँ। ये पहाड़ों पे इस तरह से नेट लगी हुई क्योंकि यहाँ के जो पत्थर हैं बहुत ढीले हैं और साथ ही इनमें सरिये भी गाड़े हुए हैं, देखिए आप सरिये गाड़े हुए हैं ताकि कोई बड़ी चट्टान एकदम नीचे ना आ जाए, बाकी इस तरह से पत्थर देखिए आप नीचे आए हुए हैं, ये इसमें पत्थर गिरते रहते हैं इसीलिए उधर भी रेलिंग लगी हुई है। अभी तो मैं जिस जगह हूँ वहाँ से वहाँ लिखा हुआ दिल्ली 642, जयपुर 450, अजमेर लगभग 250 किलोमीटर यहाँ से दूर है, लगभग 20-30 किलोमीटर और रह गया है। अब आगे की लिफ्ट कोई मिल जाए तो जल्दी सफ़र पूरा हो जाएगा वरना पैदल चलना पड़ेगा। फाइनली एक दो छोटी बड़ी लिफ्ट लेकर के अभी मैं पहुंच गया उदयपुर के, ये बुआना सर्कल है, बुआना सर्कल मैंने पूछा उसका नाम बुआना सर्कल है, और यहाँ से लेक पिछोला कुछ 10 किलोमीटर करीब और है। उदयपुर में उतरते ही बुआना सर्कल से मुझे एक लिफ्ट मिल गई है, लिफ्ट भी मिली है कार में, तो बस थोड़ी देर में ही पहुंच रहे हैं अपन, और आज का जो टास्क है अपना अजमेर से पिछोला लेक तक का उसको पूरा करते हैं। कमेंट करके बताइएगा कैसी लग रही है बुलेट, देखिए मैं नज़दीक से दिखाता हूँ, देखिए शानदार। तो 3-4 किलोमीटर की एक लिफ्ट के बाद में मैं पहुंच गया हूँ इस समय आर के सर्कल में, आपको एक बार नज़दीक से दिखाता हूँ आर के सर्कल, क्यों नज़दीक से दिखा रहा हूँ देखिए आप, क्योंकि यहाँ के जो मुझे सर्कल है ना वो बड़े खूबसूरत लगे, देखिए आप कितने अच्छे से चौराहे बने हुए हैं, और वाइट सिटी क्यों कहते हैं देखिए आप, सब कुछ यहाँ पर ये वाइट वाइट मार्बल से बना हुआ है, और ये कुछ ये जोग माया फूड कॉर्नर और रॉयल स्वीट्स बेकरी। लेकिन मुझे एक चीज़ यहाँ दिखी, यहाँ पे जो होटल्स है ना बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत से होटल है यहाँ पर, तो पूरा मार्केट ही बहुत ही खूबसूरत लग रहा है मुझे। चलिए एक बार गुलाब बाग में एंटर होते हैं और फिर उसके उस तरफ निकलते हैं जहाँ पर है लेक पिछोला। आई और गुलाब बाग एक बात है देखने में कितना घना दिख रहा है ये, गजब शानदार, पूरा मतलब जो धूप है ना वो भी नहीं आ पा रही सड़कों पर। ठीक सामने गुलाब बाग का दूसरा गेट है और यहाँ पे दूसरे गेट के पास में इधर खड़ी है ये टॉय ट्रेन, मैं आपको एक बार थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ यहाँ पर, ये देखिए ये इंजन है, मेन ये इंजन लगा हुआ है सामने, और ठीक पीछे उधर सवारी बैठी हुई है, और इधर ये एक तरह का ब्रिज भी बना हुआ है जो पूरा लुक दे रहा है सेल्फी पॉइंट की तरह, बिल्कुल जैसे ओवरब्रिज होते हैं प्लेटफॉर्म पे स्टेशन पे उस तरह से ये बना हुआ है। गाना चल रहा है इसलिए मैं ज़्यादा देर यहाँ रुकूंगा नहीं और चलते हैं आगे की तरफ क्योंकि मुझे यहाँ से पहुँचना है पिछोला। भाऊ जी इस लेक का क्या नाम है? दूध तलाई। ये तो दूध तलाई है साहब, दूध तलाई में आपको एक बार दिखा देता हूँ लेक पिछोला पे जाने से पहले, ये है दूध तलाई, पूरा नज़ारा देख सकते हैं सफ़ेद, मैंने आपको बोला था वाइट क्यों कहा जाता है वाइट सिटी भी, देखिए सामने रोप वे भी है ऊपर जाने के लिए, रोपवे है, रोपवे थोड़ा आगे से है, और ये नहीं है ये दूध तलाई है, इसके थोड़ा आगे के चलने पर है पिछोला लेक, बहुत बड़ी लेक है वो, बीच में फंवारा भी है, और देखिए सब कुछ सफ़ेद दिख रहा है ना इसीलिए उदयपुर को वाइट सिटी भी कहते हैं। बाबू जी यहाँ पान बेच रहे हैं, वाह बाबू जी शानदार, मीठा पान कितने का है? 20 का, सादा मीठा पान जो है 20 का है। चलो आपका भाई अभी आपको लेके चलने वाला है, ठीक सामने है लेक पिछोला।
तो दोस्तों आज का अपन ने टास्क पूरा कर लिया है, अजमेर से निकल करके लेक पिछोला तक पहुंचने का। 300 किलोमीटर का ट्रैवल हमने लिफ्ट से पूरा किया है। ये देखिए बोटिंग हो रही है और ये जगह है लेक पिछोला, और पूरा मैं आपको एक बार राउंड दिखाऊंगा। पर दोस्तों अगर अब तक आपने वीडियो को अब तक भी लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि अब हमने आज का जो अपना टास्क था उदयपुर पहुंचने का, उदयपुर में भी लेक पिछोला पहुंचने का, वहां तक हम पहुंच चुके हैं। जैसे यहां पे राजस्थानी ड्रेस वगैरह है, अगर आप फ़ोटो खिंचाना चाहें तो ये कुछ बैग्स है, और साथ ही यहां पर ये बोटिंग वाला एरिया है। अगर आप बोटिंग भी करना चाहते हैं तो यहां पीछे की तरफ देख सकते हैं, ये बोटिंग वाला एरिया है। और लेक बहुत बड़ी लेक है, आपको दूर तक जहाँ तक दिखाई दे रही है पूरी लेक है दूर तक। और इधर से रोप वे भी जा रही है जो ऊपर की तरफ जा रही है, सिटी पैलेस के ऊपर की तरफ, और बहुत ही खूबसूरत है। और ठीक इस तरफ ये वाली दूध सागर लेक है, दोनों आसपास ही हैं, बिल्कुल चौपाटी है बीच में बनी हुई इन दोनों के। तो मैं अभी खड़ा हूँ लेक पिछोला पर, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को अब तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कैमल सफारी का कितना भैया, कितना चार्ज है कैमल सफारी का? हाँ रिकॉर्डिंग में कुछ और रेट है? ऐसा कुछ नहीं, बाकी 200 का 100 मतलब वो डिपेंड करता है कि 5 मिनट 10 मिनट की राइड है ना, अलग अलग। आप रिक्वेस्ट लिख दो मतलब। हाँ तो मतलब जैसे अगर 100 का है तो थोड़ा सा कम राइड हो जाएगी, 200 में थोड़ी ज्यादा राइड हो जाएगी, ये हो सकता है ना। तो ये बात है। और यहाँ पे देखिए कैमल राइड इस समय कराई जा रही है, ये ठीक सामने की तरफ है यहाँ पर, ये है लेक पिछोला। यही चैनल है गुड़िया मेरा, ब्लॉगर जेकब।